Take the car. Enemy spotted! Attacking here. Kabbalah? Attacking here. हेलो फ्रेंड्स तो कैसे हैं आप लोग आप सभी का स्वागत है वाइट गेमर चैनल में आई होप यू आर आर डूइंग वेल तो आज हम बात करने वाले हैं पबजी न्यू स्टेट के ट्रेनिंग मोड के बारे में मैंने आपको कहा था कि ट्रेनिंग मोड की वीडियो जल्दी ही आने वाली है तो ट्रेनिंग मोड की वीडियो अभी स्टार्ट हो चुकी है आप देख ही रहे हैं तो अभी मैंने सेलेक्ट कर लिया ट्रेनिंग मोड को अभी यहाँ पर दो ही मैप अवेलेबल हैं जैसे आप देख सकते हैं पहला तो ट्रॉय जो इसका क्लासिक मैच है या बैटल रॉयल जो इसका मैप है वो वाला और दूसरा है ये ट्रेनिंग मोड का ट्रेनिंग मोड हालांकि आप देख सकते हैं अभी उतना ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है बहुत बेसिक सा ये ट्रेनिंग ग्राउंड यहाँ पर ऐड किया गया है देख सकते हैं इधर जो मूविंग आइकन्स रहते हैं या मूविंग टारगेट्स रहते हैं वो हैं जहाँ पर आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं एम प्रैक्टिस पबजी न्यूज टेट का अभी ये अल्फ़ा वर्जन है तो अभी ज़्यादा कुछ चीज़ें यहाँ पर रिवील नहीं की गई हैं और यहाँ पर दोनों ही साइड गेम में अभी जो आइटम्स अवेलेबल हैं वो रखे गए हैं जैसा आप देख सकते हैं लेवल थ्री का आर्मर और लेवल टू का आर्मर यहाँ पर रखा हुआ है और यहाँ पर आपको दो तरह के लेवल थे और लेवल टू की वेस्ट देखने को मिलेंगी एक तो जो नॉर्मली पबजी में होती है वही आपको देखने को मिलेगी सेकंड वाली थोड़ी सी स्पेशल है वो आपको क्लोज रेंज में थोड़ा और प्रोटेक्ट करेगी डैमेज होने से और यहाँ पर लेवल थ्री के हेलमेट और बैक पैक आप देख ही पा रहे होंगे इनसे आप फैमिलियर ही हैं और यहाँ पर स्कोप रखे हुए हैं और यहाँ पर स्कोप आपको देखने को मिलेंगे नॉर्मली इसमें जो पबजी में अवेलेबल है वही हैं एक इसमें है स्पेशल है जो कि मैं आपको बाद में दिखाऊँगा जो कि है वाइपर और थोड़ा और आगे हम चले यहाँ पर तो अटैचमेंट्स कुछ रखे हुए हैं और कुछ ग्रिप रखी हुई हैं जो कि आप एसॉल्ट राइफल और एस में यूज़ कर सकते हैं और इधर बैरल में लगाने के लिए आपको सब प्रेसर और कंपनसेटर वगैरह ये सब यहाँ पर रखे हुए हैं और यहाँ पर एक्सटेंडेड मैग है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं ए आर एस एम जी या स्नाइपर राइफ़ल्स में और इधर मेडिकेट पेन किलर ये सभी तो आप जानते ही होंगे यहाँ पर आपको एक न्यू चीज़ देखने को मिल रही होगी जिसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ कस्टम किट तो ये कस्टम किट क्या है कैसे वर्क करती है कि आगे मैं आपको लास्ट में वीडियो में थोड़ा सा दिखा दूंगा बाकी इसकी जो स्पेशल वीडियो है वो आपको कल देखने को मिलेगी और यहाँ पर जो एम है इसकी वो रखी हुई है और यहाँ पर एक न्यू एम आपको देखने को मिल रही होगी फोर्टी एम mm की तो ये कुछ नया है अभी ये मुझे भी नहीं पता कि कैसे यूज़ होता है इसके लिए कौन से वेपन में इसको यूज़ किया जाता है बाकी इधर फिर से वही सारी चीज़ें रखी हुई हैं और अगर आप इस तरफ जाएंगे यहाँ पर तो यहाँ पर जो वेपन्स इसमें अवेलेबल हैं वो रखे हुए हैं सभी को मैं आपको दिखाने वाला हूँ जैसे इधर मिनी फोर्टीन पड़ी थी और इधर एम फोर जो फाइव की जो भी ऑटो गन है और यहाँ पर एम सिक्सटीन ए फोर भी आपको देखने को मिल रही है जो कि ब्रस्ट गन है और एम टू फोर नाइन इसको तो आप जानते ही होंगे ऑग और स्कारल सारी गन्स जो पबजी में अवेलेबल हैं वही यहाँ पर भी अवेलेबल है और स्नाइपर राइफ़ल्स में अगर हम बात करें तो नॉर्मली इसमें सभी हैं टी और बोल्ट एक्शन जो स्नाइपर राइफ़ल्स हैं हाँ मोजे नगैंट अभी इसमें ऐड नहीं हुई है और इधर बात करें हम तो सेवन एम की जो ऑटो गन्स हैं वो रखी हुई हैं और इधर शॉर्ट गन रखी हुई है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आपको वैसे ही समझ में आ रहा होगा कि सभी पबजी से ही ये इसमें जो वेपन्स हैं वो कॉपी किए गए हैं और यहाँ पर एस वेपन्स रखे हुए हैं और फिर यहाँ पर सबकी फेवरेट ए तो अभी हम चलेंगे मेन ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ जहाँ पर हम एम प्रैक्टिस कर सकेंगे और वहाँ पर आपको रिक्वाइल का भी अंदाज़ा हो जाएगा और जो इसमें स्कोप अवेलेबल है वाइपर स्कोप जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ तो वो भी मैं आपको दिखा सकूँगा तो अभी यहाँ से हम एम कलेक्ट कर लेते हैं अगर अटैचमेंट की बात करें तो वो सेम ही है जैसे पबजी में यूज़ होते हैं हाँ इसमें कस्टम किट दिया हुआ है तो थोड़ा सा स्पेशल वो हो जाता है तो अभी के लिए हम यहाँ पर वर्टिकल यूज़ कर लेते हैं और टैक्टिकल जो कि एम के लिए इंपॉर्टेंट है और कंपनसेटर ये भी इम्पॉर्टेंट है तो इसको भी हम लगा लेते हैं तो अभी हम चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी जो रिक्वायर है वो कैसी है और वाइपर स्कोप जो मैंने आपको बताया था वो कैसा दिखता है पबजी न्यू स्टेट में काफ़ी सारे नए फीचर्स ऐड किए गए हैं उनमें से एक ये भी है कि जो इसमें वेपन्स हैं उनमें इनबिल्ड रेड डॉट लगा रहता है थॉमसन में नहीं होता है बाकी जितने भी वेपन्स हैं अगर आप उनमें कोई भी स्कोप नहीं लगा रहे हो तो वहाँ पर रेड डॉट काम करता है तो अभी हम स्कोप चेंज कर लेते हैं तो इस तरह से दिखता है वाइपर स्कोप इसको आपने ट्रेलर में भी देखा होगा तो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है और स्टेबल भी है और एम असिस्ट मुझे लगता है कि वाइपर स्कोप में थोड़ा ज़्यादा अच्छे से काम करता है अगर हम रेड डॉट से इसको कंपेयर करेंगे तो PUBG न्यू स्टेट में काफ़ी सारे फीचर्स कॉल ऑफ ड्यूटी से लिए गए हैं तो उनमें से एक ये भी है वाइपर स्कोप तो अभी आप जो स्कोप देख रहे हैं आपको समझ में आ ही गया होगा ये सिक्स एक्स है और इसमें सबसे कमाल की बात मुझे लग रही है अब पता नहीं ये फीचर है या फिर क्या है इसमें कहीं भी सिक्स एक्स में थ्री एक्स बनाने का ऑप्शन ही नहीं दिया गया है तो जो लोग भी सिक्स एक्स का यूज़ करते थे एज अ थ्री एक्स एसोल्ट राइफल्स में उनके लिए अभी इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होने वाले हैं क्योंकि फुल सिक्स एक्स उतना स्टेबल नहीं है तो अभी हम थ्री एक्स को देख लेते हैं थ्री एक्स जैसे नॉर्मली पबजी में सेम वैसा ही ऐड किया गया है इसमें भी और जैसे स्टेबल रहता है थ्री एक्स वैसे स्टेबल है और रिक्वाइल की अगर हम बात करें तो पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है कि पबजी ने स्टेट में रिक्वाइल थोड़ी सी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पबजी मोबाइल अब पता नहीं ये इशू सिर्फ मेरे साथ ही है या सबके साथ है क्योंकि अभी मैं फाइव की पिंग में खेल रहा हूँ तो मे भी उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि पिंग बहुत ज़्यादा है अभी फोर एक्स का स्प्रे अभी सही नहीं जा रहा है तो मैं इसकी सेंसिटिविटी को थोड़ा सा इंप्रूव कर लेता हूँ तो अभी मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूँ चायरोस्कोप क्योंकि मैं चैरो का यूज़ करता हूँ तो थोड़ा सा हम इसको बढ़ा लेते हैं अराउंड सेवेंटी सही रहेगा मे बी टेस्ट करते हैं देखते हैं और इसमें जायरोस्कोप के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि इसमें जो जायरोस्कोप की वर्टिकल सेंसिटिविटी है वो थोड़ी सी स्लो है बट जो हॉरिजॉन्टल रिस्पांस है वो काफ़ी अच्छा है अगर आप लेफ़्ट राइट करते हैं तो काफ़ी जल्दी मूव हो जाता है बट अगर आप अप एंड डाउन अगर आप मूव करना चाहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है आई होप जब गेम लॉन्च होगी तो उससे पहले इस चीज़ को फिक्स कर दिया जाएगा नहीं तो जयरो जो प्लेयर्स हैं जो जायरो स्कोप का यूज़ करते हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम होगी और इसमें पीक के लिए एक स्पेशल ऑप्शन दिया गया है स्वाइप का तो जो मैं आगे आपको कंट्रोल्स की जब मैं आपको बेसिक सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा तो उसमें मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा तो आप देख सकते हैं इसमें बटन नहीं दी गई हैं इसको आपको स्वाइप करना है अगर आप लेफ़्ट साइड करते हैं तो लेफ़्ट पिक करेगा राइट right साइड करते हैं राइट right पिक करेगा तो कुछ इस तरह से ये काम करता है और इसमें एक और न्यू फीचर ऐड किया गया है बैरल रोल का तो अगर आप डबल टैप करते हैं क्राउच बटन पर तो ये कुछ इस तरह से बैरल रोल करता है या रोल करता है बाकी बटन सेम ही दी गई हैं जैसे प्रोन और जंप करने के लिए तो उसमें कुछ भी नए फीचर्स नहीं हैं तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो कि है वॉइस ओवर इन गेम वाइस तो कुछ इस तरह से काम करेंगी। ऑप्शन वही सारे हैं बस वॉइस थोड़ी सी चेंज Attacking की गई है बाकी आप तो जो पबजी में यूज करते हैं जो भी कुछ न्यू ऑप्शंस भी ऐड किए गए हैं जैसे ये रैली आपका है और अगर आप लिस्ट में देखेंगे तो वहां भी आपको एक दो नए ऑप्शन देखेंगे बाकी आपको वही सारे ऑप्शन मिलेंगे जो Following आप पबजी मोबाइल में यूज़ करते हो इन गेम बस उसकी वॉइस क्वालिटी को थोड़ा फ्यूचरिस्टिक बना okay. दिया गया है थोड़ा सा उसको चेंज कर दिया गया है Sorry. और Need जैसे पबजी में होता है कि अगर आप वॉइस नहीं यूज़ करना चाहते यानी कि आप वॉइस चैट को ऑफ किए हैं और कुछ भी अपने टीम को बताना चाहते हैं तो आप चैट कर सकते हैं तो वैसे इसमें भी ऑप्शन दिया गया है चैट करने का आप कुछ भी लिख सकते हो और थर्ड ऑप्शन आपको यहाँ पर मैसेज का मिल रहा है अगर आपका कोई भी फ्रेंड आपको मैसेज करता है आप मैच में उस टाइम पर तो यहाँ से आप उसको रिप्लाई कर सकते हो और पबजी की तरह इसमें भी लास्ट ऑप्शन दिया गया है एक्सपेक्ट रेट का नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो टी से या पी में चेंज करने के लिए यहाँ पर जैसे पबजी में बटन दी गए तो उसी तरह से सेम यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है और नेक्स्ट फीचर इसमें ऐड किया गया है सोल्डर व्यू का या फिर इसको आप एम फीचर भी बोल सकते हो जो कि अभी थोड़े दिन पहले ही पबजी में ऐड किया गया है अगर आप पबजी में सोल्डर व्यू का यूज़ करते हो या एम फीचर का यूज़ करते हो तो उसमें मूवमेंट बहुत ही स्लो हो जाती है पर PUBG न्यू स्टेट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है हाँ मूवमेंट स्लो होती है बट इतनी भी नहीं कि आपको कोई प्रॉब्लम हो अगर आप PUBG न्यू स्टेट खेल रहे हैं तो शोल्डर व्यू काफ़ी अच्छा ऑप्शन है बट सेम टाइम अगर आप PUBG मोबाइल की बात करो तो उसमें मैं इसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा तो अभी हम बात कर लेते हैं कस्टम किट के बारे में तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि वी में क्या आप ए का यूज़ कर सकते हैं तो आप बोलोगे भाई क्या पगलों जैसी बात कर रहे हो वी में स्कोप कहाँ से लगता है यार वो तो इन आता है बट भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अगर आप कस्टम किट का यूज़ करते हो तो आप स्कोप लगा सकते हो कोई भी एट एक्स फोर एक्स कुछ भी लगा सकते हो में। यकीन नहीं आ रहा है ना वेट मैं आपको दिखाता हूँ तो कस्टम किट का यूज़ मैंने कर लिया ये अभी नॉर्मल स्कोप जैसा आप पबजी में देखते हो और अभी ये लगा दिया मैंने एट एक्स अब देखो आप भाई कमाल है भाई खतरनाक भाई तो चलो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना मैं मिलता हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ तब तक के लिए टेक केयर एंड नमस्कार और ये एटेक्स के चक्कर में सब्सक्राइब करना मत भूल जाना भाई फ्री है भाई कर दो